सच दिखाते हैं हम ताकि झूठ के बाजार में सच फीका ना पड़ जाए कहीं। सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमी की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। शहर के विभिन्न संस्थानों एवं संगठनों द्वारा होली पर्व के मौके पर होली का गीत गाकर खुशी का इजहार किया। लोगों ने एक दूसरे को होली की बधाइयां दी, जिसमें शहर के बाटा मोर स्थित तैलीय धर्मशाला में आयोजन किया गया, जहां पुरुषों ने होली के गीत गाए और हर्ष उल्लास के साथ होली पर्व मनाने की लोगों से अपील की। वहीं दूसरी ओर तैलीय समाज की महिलाएं भी होली के गीत और नृत्य पर अपना प्रदर्शन किया और लोगों से होली पर्व के मौके पर भाईचारा और एक दूसरे के प्रति सहयोग और सद्भावना पूर्ण भावना के साथ शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील की गई। गया चौक टावर स्थित शीश महल होटल में महाराजा फाउंडेशन के द्वारा भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। और पूरे वर्ष में जो भी है बुराइयां, इसको हम लोग कल होलिका दहन कर देंगे और अच्छे दिन की शुरुआत नव वर्ष में परसों जो होली होगा नव वर्ष होगा। पूरे हम गया वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सौहार्द शांति बनाए रखने का जो है आग्रह करता हूँ और सुख शांति समृद्धि आए इसकी कामना करता हूँ। गजेंद्र सिंह वार्ड पार्षद 32 सह सचिव महाराणा विचार मंच गया सह आप नेता। महाराणा विचार मंच के तरफ से आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे गया जिला के हमारे सभी जाति के लोग हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ हैं और सभी से हम लोग अपील किए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें और इस पर्व को एक सनातन धर्म के जो हम लोग पर्व है उसी तरह से मनाएं। कहीं भाईचारा नहीं टूटता है और एक बार भाईचारा टूटता है तो उसको उस गठबंधन उसको जोड़ने में बहुत समय लगता है। इसलिए हम लोग सभी से इस मंच की ओर से अपील करते हैं और हम लोग को एक से गुजारिश करते हैं कि आप लोग उस पर्व को बहुत भाईचारे के रूप में निभाएं और इसका संदेश दूसरे जगह और दूसरे राज्य में भी जाए। इस पर्व का महत्व है और ये आज से शुरू हो जाता है पर्व। कल होलिका दहन है, परसों है होली नौ बार, अब इसके बाद हम लोग को नौ वर्ष का शुरुआत हो जाता है। इसलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर होली का आनंद ले रहे हैं और सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि होली अच्छा से मनाएं और सभी को मनाने दें और भाईचारा कायम रखें, इसीलिए कार्यक्रम को आयोजन किया गया। अपना परिचय। नागेंद्र सिंह, पूर्व जिला परिषद सह महाराणा विचार मंच के अध्यक्ष। चल चल उनके हम पूरे देश के महाराणा की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा देश में होली
पर्व जो है वो मिलजुल के सभी आदमी एक साथ करके शांति बरकरार रखे कि हमारे देश भारत देश पवित्र देश है, शांति देश है, शांति बरकरार रहे। ठीक, यही हमारे और इसीलिए हम लोग महाराणा जी बनाए हैं, महाराणा जी का मूर्ति के लिए भी हम लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि सभी का है, किसी एक जाति के नहीं है, जो पुरुष महापुरुष होता है सभी के लिए है, वो खास के रोटी खाए हैं। इसलिए मेरा नाम राम छबीला सिंह है, मैं भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ और विष्णु नारायण है। जय महाराज। समाज के लोग किस तरह से बोली मिलन करेंगे? आज इस भवन में गया जिला तैनिक सभा के भवन में तैनिक मिलन समारोह का आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम विगत 8-10 वर्षों से यहाँ चल रहा है और आज महिला दिवस के ऊपर भी हमारे समाज की महिलाओं ने बहुत अच्छी संख्या में भागीदारी होली मिलन में निभाई है और हम अपने समाज के लोगों से तथा गया जिले के जनता से अनुरोध करते हैं कि ये आपसी सौहार्द का जो त्यौहार है मिलजुल कर प्रेम से मनाएं। आपसे मन में जो किसी तरह का अगर दुख तकलीफ है उसको होली में धोकर आगे आने वाले दिन में अच्छे से समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार के बाद अपने जिए अमन चैन से खुशी होली।